हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 8 डिवाइस के बारे में, और इसके लिए फाइनली इंडिया में एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है, जो कि यहाँ पर अब रोल आउट होने स्टार्ट हो चुका है। अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से जो फीचर है, चेंजेस है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपके रेडमी नोट 8 डिवाइस के अंदर, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अपडेट की टोटल साइज क्या है, अपडेट का वर्जन नंबर है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, और अभी कैसे आप लोग अपने डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग एक रेडमी नोट 8 डिवाइस के यूजर हैं, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। और गाइज, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है अभी वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ ओनली 500 लाइक, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट करो तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। यार आज तो अपडेट रिलीज हुआ है, इस बात पे आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेरी फोन स्क्रीन पे। यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं हम लोग हमारी फोन स्क्रीन पे, और मैं आप लोगों से बात करूं अपडेट के बारे में। 12.0.1.0 का आप लोगों को यहाँ पर अपडेट का जो वर्जन नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और 2.2 GB की बहुत ही मैसिव साइज की आप लोगों को ये अपडेट है उसकी साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो IN आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि ये जो अपडेट है वो यहाँ पर इंडिया में रिलीज किया गया है। और इसकी जो न्यूज है वो मैंने आप लोगों के साथ में पहले अपना टेलीग्राम का जो चैनल है इस पे आप प्रोवाइड करा दी थी। अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है इसको ज्वाइन कर लेना, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर अपडेट है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल करना है, सो वीडियो को पूरा देखना। गाइज, मैं आप लोगों से बात करूं सबसे बड़े चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को एंड्रॉइड 11 अपडेट करने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है, सो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन के अंदर। लॉक स्क्रीन को आप लोग जैसे यहाँ पर ओपन करोगे, यहाँ पर एक नया ऑप्शन है जो कि यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस इज अनलॉक। यहाँ पर अगर आप लोग जैसे इसको यहाँ पर ऑन कर दोगे, अगर आप लोग अपने डिवाइस के अंदर चार्जिंग केबल है वो अभी यहाँ पर प्लग करोगे, आप लोगों को बहुत ही कमाल की चार्जिंग एनिमेशन है जो कि यहाँ पर शो हो जाएगी इसी स्क्रीन पे। अब मैं आप लोगों से बात करूं सेकेंड चेंज के बारे में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कनेक्शन एंड सेलिंग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कनेक्शन एंड सेटिंग का जो ऑप्शन है इसको आप लोग जैसे यहाँ पर ओपन करोगे, यहाँ पर 3 नए फीचर हैं जो कि यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं एंड्रॉइड 11 अपडेट करने के बाद में। सबसे पहला फीचर है जो कि आपको क्रोमबुक का यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि गूगल की जो क्रोमबुक है उसको आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, और जो नियर बाय शेयर है इससे आप लोग अपनी फाइल है उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो अलग डिवाइस के अंदर। और एंड्रॉइड ऑटो का थर्ड ऑप्शन है जो कि यहाँ पर ऐड कर दिया गया, और इस फीचर की मदद से आप लोग अपनी जो कार है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। ये 3 ब्रांड न्यू फीचर है जो कि यहाँ पर ऐड कर दिए गए। अब मैं आप लोगों से बात करूं नेक्स्ट फीचर के बारे में, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इसके अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज है वो ये देखने को मिलेगा, फुल स्क्रीन डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, नेविगेशन गेस्चर बार का जो सपोर्ट है वो रेडमी नोट 8 जो डिवाइस है इसके लिए फाइनली यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर बटन्स का यूज करते हो तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग फुल स्क्रीन गेस्चर का यूज करोगे आप लोगों को जो एनिमेशन है वो यहाँ पर बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी। इसको जरूर से ट्राई करना, आप लोगों को एनिमेशन है इसके अंदर जो स्मूथनेस देखने को मिलती है वो यहाँ पर कमाल की देखने को मिलती है। और यहाँ से आप लोग इनके जो ट्रिगर है उनको यहाँ पर यूज भी कर सकते हो, मतलब कि कौन से एक्शन के लिए आप लोगों को कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर इनेबल करना है। अब दोस्तों वैसे तो आप लोगों को और भी कई सारे जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से आप लोगों को एक चेंज है वो सेटिंग के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसको यहाँ पर ओपन करोगे, साउंड एंड वाइब्रेशन को अगर आप लोग यहाँ पर ओपन कर दोगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का लेआउट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एक ब्रांड न्यू फीचर है जो कि यहाँ पर ऐड कर दिया गया है जिसका नेम है साउंड असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, साउंड असिस्टेंट का जो ऑप्शन है जो कि यहाँ पर ऐड कर दिया गया। अब ये फीचर
कैसे यहाँ पर वर्क करता है उसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत ही कमाल का फीचर है। सबसे पहले तो आप लोगों को इसको यहाँ पर ओपन करना है और बाय डिफॉल्ट आपको ये तीनों ऑफ देखने को मिलेंगे। सो इनको आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ऑन कर देना है। अब ऑन करने के बाद में या तो आप लोग यूट्यूब एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हो या फिर जो म्यूजिक एप्लीकेशन है आपके डिवाइस के अंदर उसको आप लोग यहाँ पर ओपन कर सकते हो और किसी भी वीडियो को आप लोगों को यहाँ पर प्ले करना है। और उसके बाद में आप लोगों को वॉल्यूम है वो यहाँ पर डाउन करनी है। यहाँ पर आपको साउंड असिस्टेंट का अलग से ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आप लोगों को जितने भी जो यहाँ पर वॉल्यूम सेट करके रखनी है वो आपको यहाँ पर सेट कर देनी है। अब जैसे कि मान लो मैंने हाफ पे यहाँ पर सेट कर दिया, अब बैक आता हूँ, बैक आने के बाद में मेरा मैं नॉर्मल काम है वो यहाँ पर करने लग जाता हूँ और जो वॉल्यूम मैंने यहाँ पर सेट करके रखी है वो मैंने हाफ तक यहाँ पर कर दिया। हाफ तक करने के बाद में जैसे आप लोग यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में आप लोगों को जो वॉल्यूम सिस्टम है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। पहले तो वीडियो को प्ले करना है और उसके बाद में आप लोगों को साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और वॉल्यूम है वो उतनी यहाँ पर सेट होके रखेगी जितनी कि आप लोगों ने पहली बार में यहाँ पर सेट किया होगा। अब यहाँ पर 200 एंड्रॉइड 11 का अपडेट क्योंकि यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो इसके अंदर आप लोगों को एनिमेशन है उसको आप लोग कैसे यहाँ पर बोल सकते हो, सो दो बार नहीं तीन बार आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर प्रेस करना है। सो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके की एंड्रॉइड 11 की जो एनिमेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिंपली आप लोगों को 3 बार इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर ईस्टर एग वाला जो फीचर है वो अब यहाँ पर इनेबल हो चुका है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में। सो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। यहाँ पर आप लोग गाइस जैसा कि देख सकते हो टॉय वाटर बबलर और फुटबॉल, सो इस तरीके के आप लोगों को स्मार्ट डिवाइस का ईस्टर एग वाला जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। सो सेटिंग को आप लोगों को यहाँ पर ओपन करना है, ओपन करने के बाद में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको स्मार्ट होम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली नॉन होके रखेगा, नॉन में आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप लोग इसको यहाँ पर एंड्रॉइड आर ईस्टर एग पे यहाँ पर प्रेस कर दोगे यहाँ पर आप लोगों को ईस्टर एग के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इससे आप लोग अपने जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो अपने डिवाइस। बात कर लेते हैं आप लोग अपने डिवाइस के अंदर ये वाला जो अपडेट है उसको यहाँ पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हो रेडमी नोट 8 एंड्रॉइड 11 का अपडेट मैंने आप लोगों के साथ में पहले यहाँ पर शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के साथ में। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इसको अभी तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया सो इसको ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अभी ये जो अपडेट है वो ओनली जो पायलट यूजर है उनके लिए यहाँ पर रिलीज किया गया है। सो अगर आप लोग एक नॉर्मल यूजर है अभी आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पर शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग एक पायलट यूजर है आप लोगों को अपडेट है वो अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर चेक करते रहना क्योंकि आज रात या फिर कल सुबह तक अपडेट है वहाँ पर फिर से रिलीज होने की पॉसिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है रेडमी नोट 8 डिवाइस के लिए। और कल सुबह तक भी अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज हो सकता है। और अगर आप लोग एक नॉर्मल यूजर है आपको पता नहीं है पायलट यूजर क्या है तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है, 6 से 7 डेज के बाद में ये वाला जो अपडेट है इसको यहाँ पर फिर से रिलीज किया जाएगा सभी डिवाइस के यूजर के लिए। सो उसके रिगार्डिंग वो न्यूज है वो आप लोगों को सबसे पहले हमारा टेलीग्राम का चैनल है यहीं पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारा यूट्यूब का चैनल है इसको यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हो। सो यहाँ पर दोस्तों इतनी न्यूज है जो कि आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करनी थी। वैसे मैंने आप लोगों को मैनुअल लिंक है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए। सो अगर आप लोगों के डिवाइस के अंदर आप लोगों का बूट लोडर है जो कि यहाँ पर अनलॉक है सो आप लोग अपने डिवाइस के अंदर अभी इंस्टेंटली एंड्रॉइड 11 का अपडेट है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। सो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया सो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।